मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें कोविड के मामूली लक्षण है। राज के साथ उनकी मां भी संक्रमित हो गई है। फिलहाल उन्होंने खुद को अपने घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 चरण में आज रविवार की शाम दुबई में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। दिग्गज सितारों से सजी भारतीय टीम इस महामुकाबले में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को फिर से चारों खाने चित करने के लिए तैयार है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की सदस्यता लेना अब आसान नहीं होगा। कांग्रेस ने सदस्यता के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियम के मुताबिक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के लिए व्यक्ति को शराब और ड्रग्स से दूर रखने की घोषणा करनी होगी। देश भर में कांग्रेस संगठन चुनाव से पहले कांग्रेस का सदस्यता अभियान 1 नवंबर से शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। नए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस फैसले पर मुहर लग गई है। शनिवार और रविवार की रात जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी और सेना का 1 जवान घायल हो गए हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी की घोषणा की तैयारी कर ली है। कैप्टन ने एक पोस्टर जारी कर फिर से किसान आंदोलन पर दाव खेला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले काले कानून यानी कृषि सुधार कानून वापस ले, तभी वे बीजेपी से कोई सियासी बातचीत करेंगे। आज दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच है। इसी बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज रविवार को होने वाला क्रिकेट मैच राष्ट्र हित और राष्ट्रीय धर्म के खिलाफ है, क्योंकि क्रिकेट का खेल और आतंक का खेल एक साथ नहीं चल सकते। अक्टूबर के महीने में 24 दिन में पेट्रोल डीजल 19 बार महंगे हो चुके हैं। इससे राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 5.95 रुपए और डीजल 6.45 रुपए महंगा हो चुका है। देश के अन्य राज्यों में भी लोगों को महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो के ग्राहक घटे हैं। कंपनी ने पिछली 3 माही के दौरान 34 मिलियन यानी 3.04 करोड़ ग्राहक जोड़े थे, लेकिन साल की दूसरी तिमाही में उसे 11 मिलियन यानी 1.11 करोड़ ग्राहकों का नुकसान हुआ है। इसके बाद भी जियो नेटवर्क पर डेटा खपत 51% बढ़ी है। पीएस विनोद राज के डायरेक्शन में बनी तमिल फिल्म कुंजंगल कंकड़ को 94वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से भेजा जा रहा है। सदस्यीय 2021 के लिए ऑस्कर अवार्ड्स इवेंट 27 मार्च 2022 को लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा।